कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के मारेगा ताना जमाना। कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के मारेगा ताना जमाना। हेलो फैमिली, मैं मुकुर डांसिंग फिटनेस ट्रेनर। आज की ट्यूटोरियल इस सॉन्ग पे होने वाली है। आपने सॉन्ग सुनी लिया है छुप गए सारे नजारे, सो रिमिक्स वर्जन में है, काफी अच्छा सॉन्ग है। इसको हम पूरे गाने पे कोरियोग्राफी सीखने वाले, 3 मिनट का पूरा गाना है, पूरे गाने पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, काफी अच्छे और बेसिक स्टेप्स हैं, आपको करके डेफिनेटली मजा आएगा। और एक चीज, और पूरे गाने की कोरियोग्राफी को हम 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। आज है क्लास का डे 1, तो डे 1 में हम 1.5 मिनट का गाना कवर करने वाले हैं और डे 2 में 1.5 मिनट का करेंगे, यानी कि 3 मिनट का गाना, पूरा गाना हम 2 क्लास में यानी कि 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 आज आ रहा है, पार्ट 2 इसके अगले दिन आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीख जाएंगे, ओके। काफी अच्छा सॉन्ग है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय राइट साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट साइड, इसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स को सीखें, ओके। तो फर्स्ट स्टेप में आपको दोनों हैंड को ऐसे क्रॉस करना है और नीचे ऐसे हिट करना है लाइक दिस, ओके। और हैंड आपका ब्लेड होना चाहिए प्रॉपर, ओके। लेग के साथ करना है स्टेप को, 1, फिर ऐसे पंच करेंगे 2, ठीक है। ध्यान रखना है कि राइट एल्बो ऊपर जा रहा है, लेफ्ट एल्बो नीचे जा रहा है, तो दोनों को एक साथ चलाएंगे, ठैक ठैक, ओके। दोनों एक स्टेप साथ में करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, ओके। फिर से करते हैं, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, क्लियर। इसके बाद आपको करना है पीछे वाले लेग को उठाना है ऐसे, फिर दूसरा, फिर सेम, फिर ऐसे, अल्टरनेट चलता रहेगा, ठीक है। पैर आपको सामने नहीं साइड में उठाना है, ओके। इसमें हैंड का यूज होगा लाइक दिस, ओके। एक होता है ऐसे, ये मत करना, एल्बो को उठा के रखना प्रॉपर लाइनिंग लाइक दिस, ओके। फिर से करते हैं पैर के साथ, 1 2 3 4, इस तरीके से करना है। एक बार और करो, 1 2 3 4, ठीक है। एक बार लिरिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, 5 6 7 को, कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के मारेगा ताना जमाना। 4 टाइम स्टेप है, ठीक है, दोनों स्टेप 4 4 टाइम है। एक बार करो, 5 6 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, ओके गाइस। एक बार ही म्यूजिक के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे का स्टेप सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। म्यूजिक के साथ एक बार करो, कल नहीं आना मुझे ना बुलाना, कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। हर एक स्टेप्स को 2 बार रिपीट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने ये स्टेप करा है, तो ये स्टेप पूरा यहाँ तक 2 बार कंटिन्यू रिपीट होगा, ठीक है। तो 2 बार आपको करना है साथ में, मैं सिखा 1 बार रहा हूँ बट करके 2 बार दिखा रहा हूँ, तो आपको भी 2 बार ही करना है, ठीक है। पूरा गाना अगर आप एक साथ सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो पूरा परफॉर्मेंस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके गाने के साथ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अच्छे से सीख लो, समझ लो, उसके बाद जाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद स्टेप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो। लेफ्ट हैंड को ऐसे खींचना है और राइट साइड में जाना है, 1 2, अब लेफ्ट साइड में जाना है, राइट हैंड को खींचना है, 3 4, एंड देन गो राइट लेफ्ट, क्लियर। एक बार और, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हैंड मूवमेंट क्या है, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, फिर लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो ऐसे 4 टाइम कंटिन्यू करना है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस साथ में करते रहो, आ जाएगा।
ठीक है, 1 2 3 4 ओके। ये वाला पार्ट भी एक बार गाने के साथ करो और देखो कैसे मैं कर रहा हूं और आपको भी ऐसे ही करना है ओके। तेरे होठों पे रात गोरी तुझको तो आज ओके गाइस, इसके बाद अब आपको करना है 1 2 3 4 ऐसे डिपिंग करते हुए पीछे जाना है और दोनों हाथों को ऐसे चलाना है ठीक है। 1 2 3 4 पीछे चले गए, अब राइट को ऐसे बैंड कर लो, लेफ्ट को ऐसे स्ट्रेट कर लो, अब ऐसे कमर को चलाते हुए टैप करते हुए आगे आना है ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 ठीक है। एक बार और देखो, रे रखा ये रखा, राइट बैंड है, लेफ्ट स्ट्रेट है, 1 2 3 4। अगर ये स्टेप करने में आपको अजीब लग रहा है या फिर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो तो आप इसको डिपिंग के साथ भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ठीक है। ये जो हाथ है फेस के सामने होना चाहिए, नीचे नहीं, फेस के सामने ठीक है। एक बार पूरा करते हैं इसको 5 6 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। ये वाला पार्ट भी एक बार गाने के साथ करो, हम बीच बीच में गाना चला रहे हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको पता चले म्यूजिक पे कैसे करना है ठीक है। तो साथ में करते रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब पूरा गाना सीख जाओगे तो परफॉर्मेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, जाके गाने के साथ करना, पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा ओके। चलिए म्यूजिक के साथ करते हैं। तू चली आई दुहाई, तू चली आई दुहाई हो गई ओके गाइस। तो लास्ट स्टेप हमने यहाँ कंप्लीट किया, अब इसके बाद आपको करना है ऐसे लेफ्ट हैंड को सीधा करना है, फिर राइट को सीधा करना है, फिर लेफ्ट को करना है, फिर राइट को करना है। नॉर्मल हाथ नहीं उठाना है, ऐसे हाथ को ऐसे घुमा के ले जाना है ठीक है, ऐसे इन से आउट, इन आउट ओके, अंदर से घुमा के ले जा रहे हो ये। अब इसके साथ पैर का मूवमेंट है, क्रॉस ओपन क्रॉस ओपन ठीक है, करो साथ में 1 2 3 4 एक बार और करेंगे 5 6 7 को, 1 2 3 4 क्लियर है यहां तक यस। इसके बाद आपको करना है ऐसे ग्रिप बनाओ ऐसे ठीक है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, इसमें पैर वही चलेगा जो इसमें चल रहा था, 1 2 3 4 ठीक है। वन मोर टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ आया यस। म्यूजिक के साथ करो साथ में, तूने छोड़ा जमाना में, तूने छोड़ा जमाना। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, लास्ट हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको करना है हैंड को ऐसे फ्लैक्स करना है अपने लेफ्ट डायरेक्शन में, ये मेरा लेफ्ट है आपका लेफ्ट इधर है तो समझ के करना है, लेफ्ट इधर ऐसे नीचे स्ट्रेट, फिर राइट में ऐसे फेस के सामने, दोनों हाथ ऐसे होंगे टच फेस के सामने, फिर से डाउन फिर से सामने, फिर से डाउन फिर से सामने। मैं आपको 4 बार करके दिखा रहा हूं बट गाने पे हमें 8 बार करना है ठीक है, करो 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैं डबल काउंट कर रहा हूं, सिंगल काउंट में ये 14 स्टेप है बट इसको डबल, अगर मैंने 8 काउंट किया है तो ये 16 काउंट में कवर होगा गाने के साथ, बट मैं आपको भी सिखा रहा हूँ 4 टाइम में ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए। अगर पूरा पूरा काउंट में कराऊंगा ना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, आपको जल्दी सीखना है तो हमें जल्दी सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आपको सिखा भी देंगे, टाइम भी कम यूज होगा और हमारे पास भी तरीका और आपके पास भी तरीका है ना, आपके पास देखने का टाइम बचाने का तरीका है और हमारे पास टाइम बचाने के साथ साथ आपको सिखाने का तरीका है ठीक है। चलिए 5 6 7 गो, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। अब इसमें डिपिंग कैसे कर रहे हैं, राइट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में रख रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, फिर लेफ्ट को रख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हो, ज्यादा नहीं, दो दो बार, एक दो, एक दो, ठीक है। हैंड के साथ एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके। म्यूजिक के साथ करो जल्दी से। छुप गए सारे नजारे, छुप गए सारे नजारे, ओके गाइस नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, अब लेफ्ट हैंड को ऐसे पंच कर लो सीधा और राइट हैंड को ऐसे आइस के पास रखना है, लास्ट वाली फिंगर को ऐसे करके ऐसे काजल लगाना है, ठीक है। तो 5, 6, 7 को विद योर डिपिंग, 1, 2, 3, 4 हैंड डिपिंग, शोल्डर एक साथ चल रहे हैं, ट्रैवल करते हुए पीछे जा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए पीछे जाना है, फिर से करेंगे 1, 2, 3, 4 अब राइट में ऐसे शेक करते हुए डाउन, लेफ्ट में ऐसे शेक करते हुए डाउन, करो साथ में 1, 2, 3, 4 ओके। एक बार और 5, 6, 7 को 1, 2, 3, 4 ठीक है। नोट कर रहे हो कि हमने ये स्टेप करते हुए पीछे गए हैं और ये स्टेप करते हुए आगे आ रहे हैं, क्लियर। गाने के साथ करो, ने काजल लगाया, तूने काजल लगाया, हो गई। ओके गाइस, सो डे वन का लास्ट स्टेप है, ये भी अच्छे से सीख लो, फिर मिलेंगे डे टू में, आगे बढ़ाएंगे गाने को, ठीक है। चलिए, सो लास्ट स्टेप हमने कवर किया था यहाँ पे, अब इसके बाद आपको कवर करना है 1, 2, 3, 4 हैंड को जैज रखना है, राइट लेग को टैप करना है, बॉडी को आगे पीछे ऐसे यूज करना है, तीनों चीज एक साथ चलानी है। तो 1, 2, 3, 4 हैंड जो चल रहा है वो फेस के सामने चल रहा है, ठीक है, यस। अब दूसरे साइड करेंगे 1, 2, 3, 4 क्लियर, सेम स्टेप है, पहले लेफ्ट हैंड से है फिर राइट हैंड से है, क्लियर है। एक बार और दोनों स्टेप को करते हैं, 5, 6, 7 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट। इतना एक बार म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स गो। तेरा चेहरा देख वैसे लो सबल, चनी है असल। ओके गाइस, लास्ट हमने कंप्लीट किया, अब इसके बाद आपको कवर करना है 1, 2, 3, 4 समझ रहे हो, ऐसे हाथ को जोड़ा मतलब राइट हैंड को पंच करो, उसको पकड़ लो सिंपल, फिर ऐसे हाथ खोले, फिर जोड़ा, फिर खोले, चार बार आएगा स्टेप 1, 2, 3, 4 अब इसके साथ लेग यूज होगा, पहले लेफ्ट लेग उठाएंगे, फिर राइट लेग उठाएंगे, अगेन लेफ्ट एंड अगेन राइट, ठीक है। कनेक्शन क्या है, जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो दोनों पैर जमीन पे है, और जब हाथ खोलते हैं तो एक पैर उठ जाएगा, फिर सेम जमीन पे आ जाएगा पैर, फिर ऑपोजिट लेग उठ जाएगा, ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता रहेगा चार बार, बॉडी का थोड़ा यूज करना, नहीं तो ऐसे रोबोट लगोगे, है ना। तो थोड़ा सा बॉडी चलाओ ग्रेसफुली, अच्छा लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समझ आ गया। चलो गाने के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। मैं दिल धड़क धड़क रुक जा, पर बड़ा है मुश्किल। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमने हर एक स्टेप को दो बार रिपीट करा है, सीखा हमने एक बार है, रिपीट वो दो बार हुआ है, काफी बेसिक स्टेप है और रिपीट स्टेप है, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से समझे हो तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना, ओके। तो डे 2 कल आने वाला है, तो पूरा गाना हम 3 मिनट का कवर करेंगे,
आज हमने 1.5 मिनट का किया है, कल हम 1.5 मिनट का और करेंगे, पूरा गाना खत्म हो जाएगा। 3 मिनट का पूरा सॉन्ग सीखने वाले हैं, तो डे टू के लिए चैनल पे बने रहे, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस एंड लव यू ऑल।